तो उस 10 की सूची में भी नाम अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा बाबर का। अभी गुंजाइश नहीं है खराब होने की, 10 साल हो गए खराब होते होते हैं। इवेंचुअली जब आप बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट जाएंगे आपको हार्दिक पंड्या चाहिए होंगे। हेलो एंड वेलकम टू इंडिया का क्रिकेट। वेल आई एम ध्रुति यात्री और हमारे साथ आज वो हैं जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, हैशटैग आकाशवाणी। वेल वेलकम आकाश। अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले सिलेक्शन प्रोसेस में काफी ऐसे सवाल उठ के आए थे कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी के बाद क्या वो वापसी ऐसी कर पाएंगे, केएल राहुल श्रेयस अय्यर दोनों के इंजरी कंसर्न्स थे। सो क्या आपने ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखी थी टीम इंडिया से? एक्चुअली जब वो एशिया कप अच्छा गया तो एक एक करके ना बॉक्स टिक होते जा रहे थे। केएल राहुल पहला ही मैच खेलते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 बना देते हैं। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आई थी 3 मैचेस की, जब वो बायलैटरल सीरीज थी उसमें श्रेयस अय्यर भी 100 बना देते हैं तो सडनली आपको लगा कि, और जसप्रीत बुमराह का तो खैर जब से वो वापस आए हैं ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे फॉर्म में वापस आए हैं। तो बाय द टाइम द वर्ल्ड कप अराइव्ड, कि जब पहले मैच के लिए जब आप शुरुआत कर रहे थे फिर आपको लगा था कि अब सब चीज़ें सही जगह पर बैठ गई हैं। देर वॉज अ चांस, क्योंकि हम परेशान इसी बात को लेकर थे कि पहले तो चोट की का स्टेटस जानना होता है, उसके बाद आपको फॉर्म का स्टेटस जानना होता है। सी चोट के स्टेटस को तो मेडिकल टीम बता देगी, लेकिन फॉर्म जो है वो मैदान पे ही पता चल सकती है। तो जब खिलाड़ी अच्छा हो, पेडिग्री वाला हो, उसके पास जब फॉर्म आ जाती है फिर आप कहते हैं कि आप सुकून से आराम से मतलब सो सकते हैं रात को। बिल्कुल। और 2019 वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया टॉप पे थी पॉइंट्स टेबल के, लेकिन नॉकआउट्स में दिक्कत हो गई और इंडिया बाहर हो गई। अभी भी हम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर हैं, तो क्या लगता है नॉकआउट्स में हमें दिक्कत होने वाली है या फिर हम निकाल लेंगे इस बार और जीत जाएंगे वो ट्रॉफी? निकाल लेंगे इस बार, उम्मीद यही है। क्योंकि जैसे वो नॉकआउट, बिल्कुल ठीक कहा आपने, पिछले कई ICC इवेंट्स है जिसके हम नॉकआउट तक तो पहुँचते ही हैं, मतलब ये तो मान के चलते हैं कि सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल, आई मीन जहाँ पे भी नॉकआउट है वहाँ तक तो हम पहुँचेंगे। एक दिन खराब हो जाता है पर अभी गुंजाइश नहीं है खराब होने की, 10 साल हो गए खराब होते होते हैं। सो एट सम स्टेज आप कहते हैं कि अब चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। जिस तरीके की टीम खेल रही है, जितना एक्सपीरियंस इस टीम के पास है, और उससे बहुत बड़ी बात जो है वो यह है कि ये भारत में है टूर्नामेंट, तो भारत में टूर्नामेंट पिचेस को आप अच्छे से जानते हैं, क्राउड सपोर्ट आपको मिलने वाला है और काफी सारा मिलने वाला है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार वो जो नॉकआउट का जिंक्स है वो इस बार टूट जाएगा इंशाल्लाह। बॉयज आर प्लेइंग वेल और हो सकता है कि ये ट्रॉफी भारत में ही रहे। लेकिन भारत के साथ साथ ऐसी कौन सी 3 टीम्स हैं जो आपको लगता है अब सेमीफाइनल्स में ये ही 4 होंगे? देखिए भारत तो आप बोलेंगे सबकी फेवरेट, उनके साथ ऐसी कौन सी 3 टीम्स हैं? तो भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, चौथी टीम एक्चुअली ये 3-वे टाई वो रहेगी, ये 3 हॉर्स रेस रहेगी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान है। जिसमें से क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा ऑलरेडी करके आई है, पिछले कई सारे एडिशंस में 5 बार जीते हुए हैं, यहाँ पर भी 2 अच्छी टीमों को हरा चुके हैं, थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो टीम के सामने नजर आ रहा है, तो हो सकता है चौथी टीम ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया को बैक किया है आकाश ने। टीम इंडियन स्क्वाड की बात करें तो हार्दिक पांड्या जो है इस टाइम पे इंजर्ड है, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि वो लंबे टाइम तक है या नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस हार्दिक पांड्या लंबे टाइम तक बाहर हो जाते हैं, भगवान ना करे हो जाते हैं, तो उनकी जगह पर आप किसे देखते हैं, ईशान किशन या फिर सूर्य कुमार यादव जो अब आए हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, या फिर आप देखते हैं रविचंद्र अश्विन को? देखिए वैसे तो जस्टिन से ही मुझे आजकल थोड़ा सा है, थोड़ा मेरा रिजर्वेशन रहता है, तो आपने कहा जस्टिन केस तो जस्टिन केस वो नहीं भी होते हैं अवेलेबल तो सी फिर बैलेंस चला जाएगा। आई बी वेरी ऑनेस्ट कि आप उनको चाहते हैं कि एक मैच छूट गया, 2 मैच छूट जाएं, कोई बात नहीं, पर इवेंचुअली जब आप बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट जाएंगे आपको हार्दिक पंड्या चाहिए होंगे। अगर हार्दिक पंड्या नहीं होते हैं तो फिर प्लान्स जो हैं वो कंप्लीटली आपको चेंज करने पड़ेंगे। नंबर 8 पे आपको बैटर नहीं मिलेगा, फिर आपके पास टॉप 6 में कोई बॉलर नहीं मिलेगा, और सडनली जो टीम आपकी बहुत अच्छी लग रही है वो थोड़ी सी कमजोर नजर आने लगेगी। तो फिंगर्स क्रॉस कि हार्दिक पंड्या की इंजरी ज़्यादा देर तक ना रहे, और जब तक वो नहीं है तो भारत को 5 गेंदबाजों के साथ खेलना पड़ेगा, और नंबर 6 पे मेरे विचार में सूर्य कुमार यादव। सो स्क्वाड के लिए लास्ट क्वेश्चन कि अब शार्दुल ठाकुर की जगह आए हैं मोहम्मद शमी, तो क्या वो एक परमानेंट स्पॉट इस वर्ल्ड कप के लिए बना पाएंगे? क्या लगता है शमी से एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखिए मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस है, पहले तो देखेंगे कि न्यूजीलैंड वाले मैच में कैसा प्रदर्शन रहता है उनका एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द गेम इज ऑन, पर
कंडीशंस अप्लाई रहेगा, अगर पिच ऐसी रहे, मान लीजिए इसके बाद अगर आप लखनऊ जाते हैं और वहाँ पे आपको टर्निंग पिच मिलती है तो आप रविचंद्रन अश्विन को उस स्थान पे खेलते हुए देख सकते हैं। फिर तीन स्पिनर्स के साथ भारत को चाहते नहीं हैं उतरना, क्योंकि मतलब ओडीआई क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं नंबर ऑफ ओवर्स, क्योंकि पावर प्ले का समीकरण उस प्रकार का है। पर अब नहीं है तो नहीं है, तो फिर आप शायद रविचंद्रन अश्विन को उनकी जगह या फिर इवन सिराज की जगह भी खेलते हुए देख सकते हैं जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली सरफेस हुआ तो। बिल्कुल, और अगर इंडिया की बात करें और पाकिस्तान की ना बात करें तो पाकिस्तान थोड़ा लेफ्ट आउट हमेशा से फील करते हैं। तो बात करेंगे कैप्टन बाबर आजम की। वर्ल्ड कप से पहले भी ये काफ़ी सारी बातें थी कि बाबर आजम को क्यों वर्ल्ड नंबर वन बोला जाता है, क्योंकि छोटी टीम्स के साथ खेलते हैं या फिर शायद मौका नहीं मिला है। तो आपका क्या टेक है उसमें कि क्या बाबर आजम वर्ल्ड नंबर वन ओडीआई बैटर है, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो ऐसी कुछ खास उनकी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई है। देखिए पर्सनली मैं वो ICC की जो रैंकिंग सिस्टम है उसको मैं बहुत ज़्यादा रेट नहीं करता हूँ। थोड़ी देर के लिए कर लेता हूँ जब भारत का कोई खिलाड़ी ऊपर होता है तो खुश होने के लिए, पर बाकी जो रैंकिंग का जो सिस्टम है वो आई एम नॉट कन्विंस्ड। तो बाबर आजम को भी रैंकिंग किस आधार पे, इट्स लाइक सेइंग आई टेल यू कि आप वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, मान लीजिए 2019 से 2023 तक एक टीम है जो नंबर वन रहती है, लेकिन जब 2023 का वर्ल्ड कप आता है तो फिर वो क्वालिफाई भी नहीं करती है सेमीफाइनल के लिए। अब ऐसी रैंकिंग आप क्या करेंगे। तो सिमिलरली वही, अगर बाबर नंबर वन की रैंकिंग के बैटर अभी हैं या फिर रहे हैं और लंबे समय तक रहे हैं उसका क्या करेंगे, अगर जब वर्ल्ड कप आया जब रन बनाने की जरूरत है और बल्ले से रन ना निकले तो आप अपने नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं। और काम इस समय बाबर का ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है जिसको देख के आप कहें कि हाँ यार ये एक्चुअली इस पूरे टूर्नामेंट का नंबर वन बैटर है। इनफैक्ट करंटली तो अगर आप टॉप 5 बैटर भी पिक करेंगे या फिर 10 भी पिक करने चाहेंगे तो उस 10 की सूची में भी नाम अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा बाबर का। बिल्कुल, सो ये था टेक बाबर आजम पर। लेकिन अभी आपने बोला कि आप काम से अपना नाम बनाए, तो काम की बात करें तो युजवेंद्र चहल हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं आईपीएल में, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं आया है। हाल ही में मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने ये बोला है कि 2024 का जो वर्ल्ड कप है T20 का, वो फाइनली खुद को उसमें देखते हैं, लेकिन इन वर्ल्ड कप्स की उनको आदत सी हो गई है, पर फिर भी अभी एक्सपेक्टेशन जा रही है। तो आपको लगता है कि युजवेंद्र चहल अब वापसी कर पाएंगे? आसान तो नहीं होगा। आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब जब 2024 का विश्व कप आएगा वो T20 वर्ल्ड कप है, उसमें उनमें और रवि बिश्नोई के अंदर एक वो डायरेक्ट शूट आउट होगा, दो में से एक ही जा पाएंगे। और कहना बड़ा कठिन है क्योंकि यूजी का भी कुछ चल रहा है कि सब कुछ अच्छा रहता है, टीम के साथ रहते हैं, जैसे ही वर्ल्ड कप आता है वो ड्रॉप हो जाते हैं। बिल्कुल, नॉट दैट ये उनकी गलती है, पर होता तो यही आया है। तो फिर आई विश यूजी वेरी वेल कि भैया अच्छा करें आप और नाम आपका आ जाए, पर क्या आ पाएगा I'm not sure. Well, this was #hashtag आकाशवाणी। इसी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड शुरू होता है। एक वर्ड में आपको जवाब देना है इस वर्ल्ड कप से रिगार्डिंग। जी, लेट्स बी स्टार्ट। ओके, सो टॉप टू फेवरेट्स फॉर फाइनल्स, इंडिया न्यूजीलैंड। टॉप फोर सेमीफाइनलिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, इंडिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। लीडिंग विकेट टेकर, जसप्रीत बुमराह। लीडिंग रन स्कोरर, रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जसप्रीत बुमराह। ऐसा कौन सा प्लेयर है जो सबसे ज्यादा छक्के मारेगा इस वर्ल्ड कप में? रोहित शर्मा। मोस्ट इंप्रेस्ड यंग प्लेयर ऑफ वर्ल्ड कप, रचिन रविंद्र। व्हिच टीम हैज इंप्रेस्ड यू सो फार इन दिस वर्ल्ड कप? साउथ अफ्रीका ने बहुत कमाल किया है। और ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल है टीम इंडिया के लिए? हार्दिक पांड्या, उनकी अवेलेबिलिटी। वेल, दिस वॉज इट। और ऐसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हम लेके आएंगे आकाश के साथ। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। फॉलो इंडिया.com with #आकाशवाणी।